तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। हम बच्चों का बेहद का बाप दर्द जान कर करके उसके इलाज करने के लिए आया है ना। हमारे पास कौन सा दर्द है? दर्द का मतलब है दुख शांति। आज की दुनिया में दुख शांति है ना, तो दुख शांति क्यों है, किस कारण है? उसी दुख शांति के दर्द को जानने वाला एक ही है, क्योंकि उसके पास ही इलाज है। वही हमारे सदा सुख और शांति देने वाला बाप है, इसीलिए उसे गाते हैं नी, सुख दाता शांति दाता। तो दर्द को भी तो वही जानेगा नहीं। मनुष्य इसका इलाज नहीं कर सकेगे। मनुष्य का मनुष्य टेम्पररी, वो टेम्पररी शांति, टेम्पररी के लिए कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए वो बातें अलग है, लेकिन ये सदा काल की, सदा काल का मतलब ही है कि फॉर जनरेशंस, आदि मध्य अंत। आदि मध्य का भी मतलब है शरीर लेते, शरीर में रहते, शरीर छोड़ते, सदा सुख उसको कहा जाता है, सदा काल सुख। तो ऐसा सुख फॉर जनरेशंस के लिए सवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए बाप कहते हैं तुम्हारे इस दर्द को, ये तुम्हारी ये दुख शांति क्यों आई है तुम्हारे पास, किसने तुमको ये दर्द दिया है वो मैं जानता हूँ, मैंने नहीं दिया है। हा? ये भगवान के ऊपर रख लेते नहीं, भगवान ने दुख दिया, भगवान ने सब दिया है। वो कहते हैं मैं कैसे बच्चों को ये दर्द दूंगा। हा? ऐसा कोई बाप देखा कभी कि बच्चों को दुखी करे? हा? जब लौकिक बाप भी कभी बच्चों को दुखी नहीं कर सकता है। मैं तो परलौकिक बाप हूँ, तो परलोक बाप कैसे बच्चों को दुखी करेगा? कभी आप बाप हो, देखो कितने बाप यहाँ बैठे हैं, आप कभी अपने बच्चों को दुखी करते हो? हा? अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे दुखी करें। हाँ, कर्म के हिसाब से कोई किसको दुख होगा तो उसमें आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आप? तो और यहाँ बीमार पड़ेगा बच्चा, इलाज करेंगे, कोई दुख आएगा उसके निवारण का यत्न करेंगे। बाकी ऐसे तो नहीं बाप बच्चे को दुख देगा। तो जब ये लौकिक बाप भी, शरीर का जन्म देने वाला पिता भी कभी अपने बच्चे को दुख देने का सोचता नहीं है, वो सदा यही सोचता है कि बच्चा सुखी बने, बच्चा लायक बने, बच्चा होशियार हो, हा सदा सुखी रहे, ऐसा ही बाप का भावना रहती है ना। तो जब ये शरीर के जन्म देने वाले पिता के पास भी ऐसी भावना, वो तो हमारे आत्मा का रूहानी, उसको ही कहा जाता है सचा पिता, तो वो हमारे परम पिता हमको कैसा दुख देगा? तो वो दुख नहीं देता। ये हमको दुख अथवा दर्द किसने दिया है? माया ने। अभी तो वो बुद्धि में आ गई है नहीं बात कि हमको ये दुख दर्द किसने दिया? माया ने। माया कौन है अभी जान गए ना अच्छी तरह से? हाँ, माया का अर्थ अभी अच्छी तरह से बुद्धि में है कि फाइव वाइसेस, इसको कहेंगे माया। माया कोई शरीर को नहीं कहेंगे, हाँ माया कोई प्रकृति तत्वों को नहीं कहेंगे। पांच प्रकृति तत्व अलग चीज है, उनको माया नहीं, कहीं उनको माया समझते हैं कि जो भी आंखों से देखते हैं ना, ये शरीर देखते हैं आंखों से, ये भी माया, और जो भी कुछ आंखों से दिखाई पड़ता है संसार का, ये सब माया है। इसीलिए कहीं इसको ऐसा समझ करके समझते हैं, इसी से कहा ऐसा कोई ठिकाना हो जो इस शरीर में ही ना आवे, ऐसा कहा लीन हो जाए जहाँ से लौटे ने, ऐसे ऐसे उपाय बेचारे सोचते हैं। परंतु ये बात नहीं है, ये शरीर कोई माया नहीं है। शरीर में तो देवता भी थे, शरीर तो भगवान भी लेता है, हा? तभी तो उसका अवतरण गाया जाता है ना, तो उसको भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, तो आत्मा को भी शरीर का आधार लेना ही पड़ता है। तो वो तो बातें नहीं है, इसको माया नहीं कहेंगे ना। माया एक अलग चीज है, वो कौन सी है? ये फाइव वाइसेस, तो ये पांच विकार माया है। ये कोई ऐसी चीज जरूरी नहीं है कि इनके बिना हमारा जीवन या इनके बिना हमारी दुनिया नहीं चलेंगी, ये तो हमारे दुख के ही कारण है। जब से माया का टाइम आया, राज चला, तब से दुख होना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते बढ़ते। आज देखो ये रावण राज, वो रावण बढ़ता जाता है, वो रावण को बना करके उसका बोता है, फिर जिया जलाते हैं नहीं, बड़े 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 बड़े, हाँ
तो अभी वो बरस बरस जलाते हैं, बाप कहते हैं बरस बरस जलाते हैं, परंतु जलता नहीं है। पांचवे कार जलते हो तो जलाते रहते हैं बरस बरस फिरा, परंतु नहीं, ये तो प्रैक्टिकल जलाना है ना, अर्थात पांचों विकारों को खत्म करना है। इसीलिए कहते हैं इसको नाश करने के लिए मैं जानता हूँ कि इसको कैसे नाश करो, तो इसका उपाय मैं आकर के बतलाता हूँ। तो अभी उपाय बुद्धि में अच्छी तरह से आ गया है ना कि इसका उपाय कौन सा है। उपाय भी सहज है, कोई इसके लिए और भी कोई हठ योग प्राणायाम चराना या कोई भी कुछ भी नहीं, बड़ा इजी कि बस उस बाप के हो जाओ। जैसे लोग इस तरह से भी कोई धनवान हो और धनवान कहे कि मेरा बच्चा, मुझे बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा बनो, तो बस जिस समय बच्चा बना तो वो भी धनवान हो जाएगा ना, बच्चा भी कहेगा मैं भी लखपति हाँ। बस कोई लखपति का बच्चा बना तो वो भी उसी सेकंड कहेगा मैं भी लखपति, क्योंकि मैं हेयर अपेरेंट हो गया ना, मैं भी लखपति। तो देखो सेकंड में कोई गरीब का बच्चा, शाहूकार का गोद का बच्चा, एडॉप्टेड चिल्ड्रेन बनने से वो भी लखपति। तो बाप कहते बच्चे मैं भी तो तुम्हारा असली पिता हूँ ना, तुमने मेरे से रिश्ता रिलेशन छोड़ दिया है, अभी फिर मेरे से रिलेशन रखो, मेरे बच्चे बनने से तुम भी तो जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका तुम भी हकदार हो जाएंगे, और ऐसे हकदार बनने से तुम सदा सुख शांति को प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरा तो हक तुमको सुख शांति का मिलेगा, मेरा हक कोई दुख का थोड़ी है, सुख का है। इसीलिए कहते अभी मेरे से रिलेशन रखो। अभी रिलेशन रखने में कोई देरी है, उसके लिए हठ योग प्राणायाम ये सब करना, रिलेशन का मतलब ही है कि बाप का हो कर करके चलो। तो फिर बाप देखो एवर प्योर है ना, तो हमें प्योर होके चलना चाहिए ना। तो बाप क्या है, बाप की क्वालिफिकेशंस कौन सी है, तो बच्चे की क्वालिफिकेशंस कौन सी होनी चाहिए, तो हम बाप को देखें और फिर अपने को देखें, तो फॉलो करें ना कि भाई बाप एवर प्योर है तो हम इम्प्योर से प्योर तो हो ना, तो हमको भी ऐसा ही बाप के समान अथवा बाप से जो कुछ बल मिलता है उसी को धारण करने का है। तो ये सभी चीजें हैं जो बुद्धि में रख कर करके और अपनी धारणा को आगे बढ़ाना है। अब इसमें क्या डिफिकल्टी है, कुछ भी नहीं। बाप क्या मेहनत देगा कि बच्चे हठ योग करो, आसन लगाओ, कमर सीधी करके बैठो, ये करो वो करो, बाप क्या डिफिकल्टी देगा। बाप तो कहते हैं बच्चे बुद्धि तेरी टेढ़ी हो गई है, उसको सीधा करो, इसको अपना मेरे में लगाओ, ये बुद्धि तेरी टेढ़ी हो गई है, किधर हो गई है, माया की तरफ चली गई है, अर्थात पांच विकारों की तरफ तेरी चली गई है। अभी उधर से बुद्धि को निकाल करके, वो गीता में भी कहा नहीं, देह है, देह के सर्व संबंधों से बुद्धि हटा कर करके, ये विकारी जो भी कुछ देह है और विकारी देह का संबंध है, इन सब से बुद्धि हटा कर करके अभी मेरे से लगाओ। तो खाली बुद्धि को हटाओ ना, कहा नहीं मन मना भव है, तो मन मना भव का अर्थ क्या कि मन को मेरे में लगाओ। तो उधर से मन निकाल कर करके मन को मेरे में लगाओ, तो खाली मन को बदलना है ना, उधर से निकाल के उधर लगाने की बात है। बाकी इसमें आसन या कमर या कोई प्राणायाम इन्हीं सभी बातों की, हठ योग साधनाओं की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि मेरा योग जो जिसी योग बल से मैंने तुमको इतना ऊंच बनाया और ये तुम्हारे दुख दर्द नाश किए, वो देखो कितना सहज है। तो अभी ये सहज ज्ञान और सहज योग का जिसको राज योग कहने में आता ही है, तो इसी का अपना पूरा पुरुषार्थ रखते और बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाने का पुरुषार्थ रखो। और बाप अपनी भी बायोग्राफी बहुत सहज समझाते हैं, उसी को समझने में भी कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। बाप मैं कहते मैं तो निराकार हूँ, लेकिन मैं आकर करके जो कर्तव्य करता हूँ, तो मैं भी कर्तव्य कैसे करता हूँ, तो वो भी तो मेरी बायोग्राफी समझो ना, मेरे कर्तव्य क्या। तो कर्तव्य की दुनिया यही है, मुझे भी कर्तव्य करने के लिए इस दुनिया में आकर के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ऊपर बैठ के करूं, ऊपर तो है साइलेंस, मैं भी सोल साइलेंस, उधर ऊपर की तो बात ही नहीं ना, मुझे भी आकर करके काम करना है। मेरी भी जो मैम आए ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर तो यहाँ की बात है नहीं, जहाँ ज्ञान है तो मैं वहां ज्ञान दूंगा ना, तो इसीलिए तो मुझे आना पड़ेगा नहीं मनुष्यों को समझाने के लिए, तो समझाने के लिए मुझे शरीर लेना पड़ेगा नहीं, कैसे समझाओ, नहीं तो कोई रास्ता बतलाओ, भगवान को राय दियो कि कैसे समझाया, उनका कोई और तरीका आता है किसको बताओ, नहीं सवाल हम मनुष्यों को समझाने के लिए, क्योंकि हमको समझाना है ना, हम बेसमझ बन गए हैं, तो हमको समझाने के लिए भी तो मनुष्य चाहिए ना, हमको समझाने के लिए कोई कच्छ अवतार
मच्छा अवतार वो कैसे समझाएंगे, हाँ उसमें आए तो कैसे समझाए। हम मनुष्यों को समझाना है नहीं, बेसमझ हम बने हैं, हमारी बेसमझी से तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। इसीलिए बाप कहते तुम ऊंचा बनो, फिर तो तुम्हारी सारी प्रकृति ऊंची बन जाएंगी। इसीलिए बाप कहते बच्चे तुमको ही तो समझना है ना, तो तुम्हारे समझाने के लिए भी मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना पड़ेगा ना, यानी मनुष्य तन का आधार लेना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं मनुष्य का आधार लेके आता हूँ और आता हूँ उसी तन में जिसका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तो इसमें भी कोई मूंझने की बात नहीं, कई बेचारे मूंझते हैं कि ब्रह्मा में परमात्मा आता है, हाँ ये कैसे, तभी किस में आवे, कैसे समझावे, ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है ना। वो जो सुप्रीम सोल नॉलेजफुल है तो वो नॉलेज कैसे देवे, बिना ऑर्गन्स के तो बोलना आत्मा सवाय शरीर के तो बोल नहीं सकती है ना। आप भी आत्मा शरीर के आधार से बोलती हो ना, अगर आत्मा निकल जाए तो फिर आत्मा बोलती है हा? ना आत्मा बोलती है ना शरीर बोलता है हा? दोनों अलग होते हैं तो ना शरीर काम का है ना आत्मा काम की है। जब आत्मा शरीर का साथ लेती है तब तो देखो आत्मा जीव आत्मा बनती है, जीव कहा जाता है शरीर को बॉडी को और आत्मा आत्मा। तो जब जीव आत्मा यानी दो जीव और आत्मा शरीर और आत्मा मिलते हैं तभी देखो आप बोलते हो चलते हो सब कुछ करते हो, तो दोनों का इकट्ठा होना चाहिए ना, आत्मा अलग शरीर अलग तो दोनों काम के नहीं। नहीं आत्मा कुछ अकेला बिना शरीर के क्या करेंगी हा? और न शरीर कुछ कर सकता है, शरीर डेड बॉडी पड़ी है कुछ करती है नहीं करती है, वो काम किया नहीं तभी तो उसको जला लेते हैं या कब्र दाखिल कर देते हैं अपने रसम के मुजबा। तो दो का चाहिए ना, तो परमात्मा को भी अगर नॉलेज देना है तो कैसे देगा, उसको भी तो शरीर चाहिए ना। अभी वो किसका शरीर लेवे तो ये भी समझने की बात है ना, वो भी फैसला होना चाहिए ना भाई किसका शरीर लेवे। तो कहते मैं आता ही हूँ अधर्म के टाइम पर, जब पतित दुनिया है तो पतित दुनिया में मुझे कोई श्री कृष्ण जैसा सर्व गुण संपन्न सोरा कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी शरीर कैसे मिलेगा, ऐसे मनुष्य ही नहीं है ना। आता ही हूँ यदा यदा धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत है, कि जब जब धर्म की हानि है तो उसी समय में ऐसे धर्मात्माएं देवताएं सर्व गुण संपन्न सोरा कला संपूर्ण है ही कहां से, वही तो मैं बनाने आता हूँ, ऐसे मनुष्य तो मैं बनाने आता हूँ ना। तो जो चीज मैं बनाने आता हूँ वो चीज पहले कैसे होंगी, होंगे नहीं ना ऐसे मनुष्य। तो मैं आऊंगा तो मुझे कौन सा मनुष्य मिलेगा, जरूर पतित दुनिया में पतित शरीर वाला ही मिलेगा ना, इसीलिए मैं आता हूँ इसमें और उसका नाम रखता हूँ ब्रह्मा और उसको भी बैठ के पावन बनाता हूँ, उसके साथ फिर दूसरों को भी पावन बनाता हूँ, तो उसी मनुष्य को भी पावन बनाता हूँ जिसके तन में आता हूँ, हाँ उनकी भी तो आत्मा है ना अपनी, उसको भी प्यूरिफाइड बनाता हूँ उसके साथ साथ दूसरों को भी प्यूरिफाइड बनाते हैं। तो ये इजी है नहीं समझने में, इसमें मुझने की भी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा भी तो सोल है ना। जैसे कहीं आप देखा होगा कि इम्प्योर सोल किस में आते हैं, हाँ जिसको भूत कहते हैं, कभी देखे हैं कोई बड़े होंगे देख किस में भूत प्रवेश करते हैं बोलते हैं। तो जब जैसे इम्प्योर सोल प्रवेश करती है वैसे ये प्योर सोल एवर प्योर, तो ये भी प्रवेश कर कर करके आकर के बतलाते हैं नॉलेज। जो इम्प्योर सोल प्रवेश कर सकती है तो क्या प्योर सोल भी एवर प्योर वो नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। इसीलिए बाप कहते मैं आता हूँ और आ करके मैं ये नॉलेज देता हूँ, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है, मैं टेम्पररी तो शरीर का आधार लेता हूँ। शरीर तो उसका है ना जिसकी जिस आत्मा का शरीर है, मैं खाली टेम्पररी लोन पर किराए पर समझो लोन पर समझो उधार थोड़े टाइम के लिए लेता हूँ और उसी उधार का उसको फायदा देता हूँ कि नॉलेज जो सुनाता हूँ तो वो भी आत्मा सुनती है कानों के द्वारा, वो भी तो बैठी है ना आत्मा, मैं भी हूँ, मैं सुनाता हूँ इस ऑर्गन से वो इस ऑर्गन से सुनती है उसी में ही हाँ। फिर मैं सुनाता हूँ वो भी सुनती है और दूसरे भी तुम भी आत्मा सब ऑर्गन के थ्रू कान के थ्रू सुनते हो, इसमें मुझने की क्या बात है। नहीं तो परमात्मा कैसे सुना है, कोई बतला है दूसरा कोई बुद्धि में किसको आता हो तो सुनाए कैसे सुनाए, ऊपर से आकाशवाणी वो समझते ऊपर से ऐसे ही आवाज करे, ऊपर से कैसे आवाज करेगा, क्या आवाज कैसे ऊपर से आएगा ऊपर के ऐसे ही तो आवाज तो मुख से होगा ना। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि बच्चे इसी सभी बातों को समझो, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है।
तो ये सभी चीजें समझने की, इसीलिए कहते मैं उसी तन में आता हूँ और उसका भी हिसाब समझाते हैं कि ये आत्मा वही है जो पहले पहले से श्री लक्ष्मी श्री नारायण जिसको कहेंगे वही फिर अपना चक्कर 84 का पूरा कर करके अभी इसका वो 84वां जन्म है। तो ये लॉस्ट है बर्थ किसका, श्री नारायण जो सर्वगुण संपन्न था वो आ सतयुग त्रेता जन्म काटते द्वापर अभी ये कलयुग में ये तमोस का 84 ये 84वां जन्म। तो अभी उसके 84वें जन्म में आकर के उसी आत्मा को भी प्यूरिफाइड बनाता हूँ जो जाकर के फिर श्री नारायण बनते है भविष्य में और फिर दूसरे भी जो सुनते हैं वो भी यहाँ उसी प्रलबद को पाते हैं। तो ये तो सीधी बात है, ये सारा चक्कर है ना जिसे सभी बातों को समझना है। तो ये बातें है समझने की है। अभी ऐसे भी नहीं विष्णु के शरीर में आवे या शंकर के आए, क्योंकि शंकर तो है ही आकार, उसको तो यहाँ मनुष्य ही इधर को चाहिए ना, शंकर तो इधर का है ही नहीं है, वो तो है आकार जो तो सिर्फ अभी विनाश के लिए ये उनका विनाश का दिखलाते हैं रूप। और विष्णु तो है ही साक्षात्कार, चार भुजे वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं है, ये सिर्फ साक्षात्कार में ये सिंबल साक्षात्कार होता है, दो भुजा नारी की दो भुजा नर की कि तुम ऐसे देवी देवता बनते हो, ये मैन ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार। बाकी ये है मनुष्य, क्योंकि आप देखेंगे चित्रों में भी ब्रह्मा को दारी बारी दिखलाते हैं, उसको नहीं दिखलाते हैं, तो वो ह्यूमन का थोड़ा उसको निशान देते हैं, आप देखे नहीं वो दारी का दिखलाते हैं, ब्रह्मा की दारी दिखलाते हैं, काकलीन शेव भी रखते होंगे कहाँ दाढ़ी भी रखते हैं, लेकिन विष्णु और शंकर को कभी दाढ़ी वाड़ी नहीं देते हैं, तो उसको ह्यूमन की कुछ निशानी देते हैं। तो उसकी माना है कि प्रजापिता ब्रह्मा, न कि प्रजापिता विष्णु या प्रजापिता शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा, तो वो ह्यूमन, इसीलिए बाप कहते हैं तो मुझे ह्यूमन जिसका मैं नाम रखता हूँ ब्रह्मा, क्योंकि उसके द्वारा न्यू ह्यूमैनिटी अथवा न्यू जनरेशन का आरंभ करता हूँ, इसीलिए ब्रह्मा द क्रिएटर यानी ब्रह्मा से नई रचना रचवाता हूँ, इसीलिए उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और ब्रह्मा तो वैसे हर एक बाप है नहीं घर का, वो ब्रह्मा है ऐसे कहने में आता है, हद के हिसाब से तो सब ब्रह्मा है, किसी तरह बाप जो घर का है स्त्री को ले आया फिर बच्चे पैदा किया तो घर का ब्रह्मा हो गया क्योंकि क्रिएटर क्रिएटर को ब्रह्मा कहा जाता है। बाकी ब्रह्मा कोई तीन मुख वाला या तीन सिर वाला या ऐसी ऐसी बातें जो बना दी है शास्त्रकारों ने और चित्रकारों ने, वो कोई बात नहीं है। तो ये सभी चीजों को समझना, वो जो त्रिमूर्ति सुना है ना अभी, त्रिमूर्ति वाला ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन है ना, तो उन तीन को मिला करके वो तीन सिर दे दिए उसके, तो उनको समझा ब्रह्मा को तीन सिर रख दिए तो ब्रह्मा त्रिमूर्ति कर दिया। अभी परमात्मा है निराकार और वो आया है ब्रह्मा तन में, वो बात न समझने के कारण ब्रह्मा को वो तीन सिर लगा दिए, और त्रिमूर्ति है परमात्मा यानी तीनों रूपों से ब्रह्मा विष्णु शंकर से ये डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन और फिर जो कंस्ट्रक्शन करता है दुनिया उसकी पालना की ये एम एन ऑब्जेक्ट ये बैठकर के बाप ने समझाया। तो बातें ऐसी हैं लेकिन इन बातों को यथार्थ रीति से न समझने के कारण बेचारों को फिर इसी सभी बातों में जैसे आया है जिसको, तो इसमें भी कोई मूंझने की बात नहीं है। अभी फिर भी कोई बात नहीं समझ में आती है किसको कोई नए है तो फिर आकर करके समझना चाहिए। बाकी इसमें भी कोई न होना चाहिए कि इसको क्यों ब्रह्मा बनाया है, ब्रह्मा तो ऐसे तो हर एक बाप ब्रह्मा है, वो अर्थ समझना है ना, ब्रह्मा का अर्थ क्या है, ब्रह्मा कहा जाता है क्रिएटर को, तो ऐसे घर का क्रिएटर तो बाप है ही, परंतु ये है न्यू ह्यूमैनिटी का क्रिएटर, इसी मनुष्य तन में आकर के परमात्मा मनुष्य के द्वारा क्रिएट कराएगा नहीं, ह्यूमैनिटी को ह्यूमन के द्वारा ही करेगा ना, इसीलिए परमात्मा उसमें आकर के ये प्यूरिटी का नॉलेज देता है, इसीलिए उसको कहते हैं मुख वंशावली। मुख वंशावली का अर्थ ये नहीं मुख से आदमी निकल आए, वो कहीं ऐसे समझते हैं कि हाँ ब्रह्मा के ऐसे मुख से आदमी कैसे निकलेंगे, नहीं मुख वंशावली का मतलब है मुख से जो नॉलेज सुनाया प्यूरिटी का, तो अभी देखो हम मुख वंशावली है नहीं, पर तो हम मुख से थोड़ी निकली है नहीं, मुख वंशावली का जो मुख द्वारा परमात्मा ने नॉलेज सुनाया उसकी धारणा से हम प्योर बने हैं, तो अभी प्यूरिटी की जनरेशन में चलेंगे, तो हम प्यूरिटी कहाँ से ली, मुख द्वारा नॉलेज से, इसीलिए हम प्यूरिटी की संतान हो गई ना, यानी प्यूरिटी में आने वाले, तो वो हो गई मुख वंशावली यानी जिस मुख से परमात्मा ने नॉलेज सुनाया, नॉलेज से हम प्योर होकर के अब प्यूरिटी के जनरेशन में चलते हैं।
तो मुख वंशावली का अर्थ ये है, पर वो न समझने के कारण कई समझते मुख से ऐसे आदमी शायद निकले हैं, ऐसी 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 बातें बहुत शास्त्रों में बैठ के रखी है। वो कहते हैं कि वो था करण, वो कानों से निकला था, वो करण कानों से निकला, वो मुख वंशावली का समझे मुख से आदमी निकले। वो कहते हैं एक उसका नासकृत का उसने छीकी तो उससे निकल आए आदमी निकल आए, ऐसे ऐसे शास्त्रों में बातें लगाई हुई है। पर तो ऐसे नहीं है कोई नाक से निकलेंगे या कान से निकलेंगे या मुख से, नहीं ये सभी अर्थ है। तो ये सभी बातों को बेहतर करके बाप समझाती है, बाकी कैसे और क्या ये सभी यथार्थ बातें अभी बाप समझाते हैं, जिसको समझ कर करके और प्रैक्टिकल लाइफ को बनाना है। तो अभी समझ गए हो ना सभी बातों को, यथार्थ क्या है और यथार्थ हमारे जीवन के लिए क्या है, इन सब बातों की रोशनी बैठ कर करके बाप देते हैं। उसी को लेकर करके अपना पुरुषार्थ ऐसा रखने का है, बाकी इसमें कुछ मूंझने का नहीं है। अच्छा कुछ सुनाना था शायद इस बच्ची को, अच्छा आए इधर खड़ी इधर पहले। अच्छा ये आप लोगों को इंग्लिश में समझाएंगी, देखो छोटी है हाँ और देखो बातें बड़ी सुनाई, कहते हैं मूर्ख छोटा बात बड़ी हा? तो आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी समझाएंगे। ये क्वेश्चन He lives in Incapur River. He is blissful, knowledgeful and peaceful. He creates three deities. They are Brahma, Vishnu and Shankar. Through Sakti Diti, Brahma and human Brahma, God Shiva blesses knowledge, wisdom, divine law, virtue and yoga of Gita fame and bliss for establishing sovereignty of Sakti Diti world of complete purity, peace and prosperity. That is Jivan Mukti. This is Vishnu. Through Satya Yugi Vishnu, God Shiva sustains Satyugi and Treta Yugi Jivan Mukti Diki world called heaven. Sri Lakshmi and Sri Narayan and Sri Sita and Sri Rama are the most prominent servants. This is Shankar. Through Satya Yugi Shankar, God Shiva destroys the Kalyugi vicious, religious, unlawful world of many violent sovereignties called hell for bestowing Mukti. International and civil wars and natural calamities are the means. This is the Kalpa of 5000 years. There are 5 yugas in this Kalpa. They are Satyuga, Satyug, Treta Yug, Dwapar Yug, Kaliyug and Sangam Yug. Ishara idhar karo, samjhao udhar. Samne dekhi ho. Idhar ishara kar karke, this is Satyug. This is silver. Aisa aisa samjha. Kya bes? There is only one deity dynasty of complete purity, peace and prosperity. This is Ibrahim, Buddha and Christ. These are the three worlds. This is incorporeal world, this is subtle world and this is corporeal world. And these are the most ones. They are sitting in yoga. But sitting in yoga, they have... You are... यू आर भी तुम भी है ना ब्रह्मा कुमारी में तुम है कि नहीं अच्छा वी आर सिटिंग नॉट ब्रह्मा कुमारी अरे हम कहो वी आर ब्रह्मा कुमारी सिटिंग ब्रह्मा कुमारी सिटिंग Sitting in yoga, they have taken sovereignty of half. We have taken sovereignty of half kalpa. This is Lakshmi Narayan. This is golden age. And this is silver age, Sita Ram. There is only one deity dynasty of complete purity, peace and prosperity. And this is the 14 deity power. And this is the 15 deity power. And this is the company. You are 16 deity power, we are going to 14 deity power. 16 deity power. Thank you. Proper age, first they were worshipping God Shiva, but afterwards they were worshipping all the deities. Islamic dynasty by Ibrahim 2500 years ago. This is Buddha. Buddhist dynasty by Buddha 2250 years ago. This is Christ. Christian dynasty by Christ 2000 years ago. This is Shankaracharya. Sannyas dynasty by Shankaracharya 1500 years ago. And this is Iron Age. There are so many religions come. And this is the Brahma. Law that is last 84th life of human Brahma.
After the destruction, this Brahma will be the first prince of the Siva, that is Sri Krishna. These are the Russians and Americans. They are fighting for the help. This sense that Europeans will destroy one another in an international atomic war. एक भाई पूछते हैं कि ये दो बिल्ले के रूप में क्यों रखे हैं? एक कहानी है बहुत मशहूर कि दो बिल्ले आपस में लड़े थे और मक्खन बीच में से बंदर खा गया था। वो एक कहानी है। वो दो बिल्ले कोई कहाँ से मक्खन ले आए थे और आपस में लड़ने लगे तो एक बंदर चालाक था, उसने कहा आओ हम तुमको एक ठीक है तराजू लेकर करके वो तोड़ता गया और ज्यादा ज्यादा थोड़ा थोड़ा उसे लकंते खाता गया सारा मक्खन उसका खा गया। तो इसीलिए वो कहानी बड़ी मशहूर है ना, इसी पर उसका वो रखा हुआ दो बिल्ले और मक्खन बीच में वो खा जाता है छोटा का मिक्स। One another in an international atomic war, Mahabharat, like 5,000 years ago. This is the rosary of 108 beads. Almighty God Shiva's non-violent army of Bharat Mother Shaktis, which transforms the Iron Age vicious world into Golden Age wiseless world by means of the might of godly knowledge, yoga and supreme purity. Complaints mein samjhaya Sangam wala. चैपलिन की बात तो समझा ही नहीं जो जरूरी है संगम कैसा नीचे वो ही दिखाया है नहीं ये नहीं इधर दिस इज कॉन्फ्लिक्ट अभी चैपलिन लगती है वो चैपलिन को बदला ही नहीं इट इज एंड ऑफ ओल्ड वर्ल्ड बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ये कॉन्फ्लिक्ट ये दिखाओ बिगनिंग एंड ऑफ ओल्ड वर्ल्ड बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड दिस इज द एंड ऑफ ओल्ड वर्ल्ड एंड बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड दैट इज ए कॉन्फ्लिक्ट दैट इज द साइड ऑफ अच्छा भाई इसने क्वेश्चन पूछा था बिगिन कर दिया नहीं इसको पूछना था अच्छा भाई इन दोनों कुमारियों को फिर कुछ सौगात देनी पड़ेगी सुनाया है क्या सौगात लेंगी 16 डिग्री अच्छा वो तो तुम जितना अपने को अच्छा बनाएगी और धाना रखेगी अच्छी तो फिर जरूर अब ये अच्छी है हा? ले सकती है और लेने का अच्छा प्रसाद रखती है कैसा ठीक है ना ये भी अच्छी है इसका नाम क्या है वीना ये तो है ही सरस्वती की वीना तो बजेंगी अच्छा आप लोगों का टाइम हुआ है इसीलिए 2 मिनट साइलेंस जगा दो बजे साइलेंस का मतलब अपने बेहद बाप को याद करो आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल ऐसा अपनी बुद्धि को हर वक्त हम उस बाकी बच्चे हैं ऐसा समझ के हर वक्त रहो और इस बॉडी से डिटैच ऐसे समझो काम करते हो तो भी ऐसे समझो मैं हाथों से लिखवाता हूँ हाँ लेकिन कौन आत्मा मैं इस ऑर्गन से बोलता हूँ कौन आत्मा इस ऑर्गन से सुनता हूँ कौन आत्मा तो हर वक्त सुनने के समय ऐसे समझो आई एम सोल इसे सुन रहा हूँ आई एम सोल इसे बोल रहा हूँ आई एम सोल इसे देख रहा हूँ ये खिड़कियां है खिड़कियां तो ऐसा ऐसी अपनी हर वक्त काम करते भी अपने को आत्मा कॉन्शियस अथवा सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस समझने से तो क्या है हमसे कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं होगा और इससे हम अच्छे बुरे कर्मों से भी बचे रहेंगे और फिर गॉड की याद भी रहने से और हमारा वो योग अग्नि से पाप भी दगा दोगे तो डबल फायदा मिलेगा ये प्रैक्टिस चाहिए अभी ये जो सुनाया ना इसकी प्रैक्टिस चाहिए हर वक्त अपने को सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस रखकर करके चलना किस तरह से चलना है इसी तरह से देखो ऐसा नहीं देखना नहीं आंखें बंद करना है देखो परंतु देखते क्या देखो ये भी सोल है आई एम सोल ये भी सोल अभी इस खिड़कियों से हम किसको देखते हैं भले देख रहे में ये बॉडी आती है पर तो हमारा ध्यान अटेंशन सोल के ऊपर है कि ये भी सोल है हम और ये एक ही बाप के बच्चे हैं परंतु हाँ इन बिचारे को पता नहीं है अभी इसको पता देना है
अच्छा पता है तो हाँ ये भी भाई अभी यहाँ बाप को जान कर करके अपना हक ले रहे, हम भी उसे अपना हक ले रहे हैं। इसी तरीके से बुद्धि में ऐसा रहना चाहिए, इसको कहा जाएगा सोल कॉन्शियस। बाकी ऐसे नहीं है कि एकदम मन को कंट्रोल, जैसे कल बतलाया था कहीं बैठ कर बिजाई हट से करते हैं, वो चीजें नहीं, ये हमको ज्ञान सहित तो इसको कर्म करते भी हम सोल कॉन्शियस, तो ऐसे अपने बुद्धि को रखने का है। बायोग्राफी को समझ गए हो ना, परमात्मा का ऑक्यूपेशन, परमात्मा की बायोग्राफी क्या है, देवताओं की क्या है। तो मनुष्य देवता हो सकता है, मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता, तो ये समझना है। इसीलिए ऐसे नहीं हमको कोशिश रखने की है मनुष्य से देवता बनने की। देवता का मतलब ही है क्वालिफाइड। कौन सी क्वालिफिकेशन से श्रेष्ठ है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। इसीलिए हमें कोशिश वो करने की है जिसमें आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर। बाकी वो तो एवर प्योर है, वो तो गॉड इज वन। तो हमको कोशिश कौन सी करनी है, क्या बनना है, वो एम एंड ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए ना। तो ये सभी समझने की बातें, जिसको समझ कर करके अपना कोशिश अथवा अपना पुरुषार्थ ऐसा रखने। अच्छा आप लोगों का टाइम होता है, हम तो बैठे हैं, हम तो कहेंगे बैठे रहो, आप लोगों को जाना है तो अच्छा अच्छा। ये पार्वती, हेलो, ये बिचारी का हाथ में बैंकुंठ माँ आता है, हाँ बैंकुंठ का बोला मुन्नी माँ, हाँ ये हमारी कौन है, ये हमारी मोहन माँ, अच्छा ये दुर्गा, अच्छा जानकी, अच्छा वो जानकी पकड़ो, हाँ नहीं तो झोली खोलो, देखो झोली का ये पकड़ेगी, बेबी तो कैच करने में ये तो स्कूल में ले लेते हैं तुमको, हाँ तुमको ठहरो, कौन है जमुना भी ठहरो, मैं सब हो गया अभी, बाकी अभी दादा अभी तुमको कविता अंजना कभी मिला लो सुंदरी जमुना बच गए ना, अच्छा लो मम्मा को हम कैसे किया, अच्छा देखो ये जो इसका आठ है सृष्टि का बोला, गोला तब तो नहीं मिलेगा, प्यूरिफिकेशन के लिए गोला तो नहीं मिलेगा, हेवन गोले मिलेगा। अच्छा आप अपने नयों की जरा खातरी करते हैं, डोंट भाई देखो ये तो फिर नए हैं ना, रहेंगे ख्याल रहेगा, इन एडवांस है ये, इन्हें एडवांस मिलती है, एडवांस में जाना है, आगे जाना है, तो ये मिलता है इसीलिए कि आप लोगों को आगे दौड़ना है। हाँ देखो डबल कभी तो समझेंगे आपको, मैं आगे बिठाया काहे के लिए, जल्दी मिली नहीं हो जाए जल्दी बात, हाँ इन्हों को डबल राजगोपाल, दो का तो प्रवृत्ति का तो खेली है, डबल तो खेली है ना, ये हमारे
ऐसा नहीं कि चराई दल फेंक के जाओ इसमें जानना। एक को दिया मिला अच्छा चलो ये बेबी को भी दूसरा ये बेबी है वो तुम्हारी बेबी नहीं आया अच्छा हमारा आत्मा से आत्मा से पावर नहीं पावर तो अभी ज्ञान से लेना है इससे नहीं ऐसा नहीं समझना ये खाने से पावर आ जाएगा पावर दिए सर पावर तो फिर भी ज्ञान और योग से मिलेगा इसीलिए तो फिर धारणा रखनी पड़ेगी किचराई दल नहीं छोड़ के जाना नहीं नहीं किचरे के लिए रख दे ये विषय है किचरे के लिए अच्छा अच्छा अभी जो नए है ना तेरनों हाँ। के साथ कभी पिकनिक हाँ? पुराने ने खाया है ना तो एक पिकनिक का रखना बाहर कहाँ चलेंगे बाहर तो देखो दुनिया की आवाजों से दुनिया की निगाहों से हम दूर है ना हम कहें कोई ऐसी भी दुनिया की निगाहों और आवाजों से नहीं कहते बहुत दूर दूर ले चल तो यहाँ कोई जंगल तो है नहीं यहाँ एकांत हो जो अपना मजा भी हो यहाँ तो देखो दुनिया की उसमें घमसान में तो उसने कहा इसीलिए घर में अच्छा है जंगल है मंगल बनाएंगे अच्छा वो फिर देखेंगे लेकिन इन्हों को एक ही वक्त करें जिसमें सभी हाथ चले अच्छा फिर वो तो देख ले लेकिन एक बार इन्हों को एक भोजन खाने नहीं जितना खाएंगे ना जैसा अन्न वैसा तो जरा इन्हों को रहेगा तो इनको फिर पिकनिक कराना है अच्छा बहुत अच्छा कुछ भी है सिंधी हो पंजाबी हो यूपी हो जो हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं उसी को समझना है और अभी बाप के ऊपर हक लगाना अभी है उसके पोतरे पोतरे बनने से वर्षा मिलेगा कहते हैं ना ग्रैंडफादर का प्रॉपर्टी का तो पोतरे बनने से वर्षा मिलेगा तो पोतरा बनेगा तभी जब ब्रह्मावंशी बनेगा वैसे तो सब उसके बच्चे हैं तो बच्चे तो है ही पर तो उसमें वर्षे की बात नहीं पोतरा बनेगा तो वर्षा मिलेगा इसीलिए जब ब्रह्मा बीच में आता है तब है पोतरे की बात तो ब्रह्मावंशी बनेगा ब्रह्मर बनेगा तब है पोतरे का और वर्षे की बात नहीं तो वैसे बच्चे तो सब है शिववंशी तो सब है ब्रह्मावंशी जब तक फिर न बने ना तब तक पोतरा न बने और पोतरा न बने तो वर्षा न मिले अच्छा ऐसा बाप दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे सपूत सियाने समझदार बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग।